डॉक्टर नेहा जैन जी ने एमटेक पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद न्यू दिल्ली के भारतीय विद्या भवन से वास्तु प्रभाकर की डिग्री हासिल की। वास्तु के साथ साथ डॉक्टर जैन एक फेंगशुई एक्सपर्ट भी हैं। वो अपने क्लाइंट्स को मॉडर्न वास्तु के सॉल्यूशन बताती हैं, जहां आपको तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। दुबई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे देशों में भी उनके क्लाइंट्स मौजूद हैं। वास्तु कंसल्टेंसी के साथ साथ वो वास्तु शास्त्र की वर्कशॉप भी करवाती हैं। वास्तु शास्त्र की 8 दिशाओं का इस्तेमाल करके वो लोगों की जिंदगी को और बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर नेहा जैन से। तो एक और सवाल जो है वो नेहा जी से पूछूंगा, वो है एनर्जी वास्तु। ये होता क्या है एग्जैक्ट? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एनर्जी वास्तु होता क्या है, बहुत से सवाल होंगे। सो लेट्स आस्क। ओके, टू बिगिन विद मैं ऐसा बोलूंगी कि एनर्जी एक ऐसी चीज है जो हमारे चारों तरफ है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। देयर आर गुड एनर्जीज एंड देयर आर बैड एनर्जीज। अगर अच्छी एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। तो वास्तु में हम वास्तु दोष देखकर उन्हें करेक्ट कर रहे हैं, बट किसी भी जगह की जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो केवल वास्तु पे ही डिपेंडेंट नहीं होती है, उसके अलावा उस जगह की एनर्जी कैसी है। कोई लैंड है मान लीजिए, तो उस लैंड की एनर्जी कैसी है? अगर उसकी एनर्जी ही ठीक नहीं है तो उस लैंड पर हम कोई भी काम करेंगे वो सक्सेसफुल नहीं होगा, या अगर आप उस लैंड को कभी बेचना चाहेंगे वो बिकेगा नहीं, बहुत सारी अड़चनें आएंगी। सिमिलरली घर में अगर एनर्जी प्रॉब्लम है तो प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, फाइनेंशियल ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जब एनर्जी प्रॉब्लम्स होती हैं। वास्तु रेमेडीज़ करके हम इस एनर्जी को कुछ हद तक अपलिफ्ट कर देते हैं। समटाइम्स अगर वास्तु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है घर का, एवरेज स्कोर आप कहिए 7/10 है वास्तु का, उसके बाद हम वास्तु रेमेडीज़ करते हैं तो वो एनर्जीज़ को काफ़ी हद तक अपलिफ्ट कर देता है। लेकिन कई बार कुछ फ्लैट्स ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं, वर्क स्पेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पर एनर्जी काफ़ी वीक होती है। ऐसी जगहों पर जब हम वास्तु रेमेडीज़ कर भी देते हैं तो भी जो रिज़ल्ट है वो हम 40-50% से ऊपर अचीव नहीं कर पाते। उस केस में ये समझना ज़रूरी है कि अगर वहाँ की लैंड एनर्जी ख़राब है तो उसको हम कैसे करेक्ट करें। जैसे बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और मैं बहुत सारे वीडियोस में बता भी चुकी हूँ कि एक ही तरह के कॉन्फ़िगरेशन में रहने वाले लोगों का वास्तु एक्सपीरियंस क्यों डिफरेंट होता है, कोई फैमिली प्रॉस्पर करती है कोई नहीं करती है, ऐसा क्यों होता है। तो उसके दो रीज़न्स हैं, एक कि आपके हॉरोस्कोप से वो घर कैसा मैच हो रहा है और दूसरा उस घर की एनर्जी कैसी है। आपने कभी कभी ऐसा फील किया होगा कि आपको घर में किसी रूम में ज़्यादा मन आपका लगता है, या किसी रूम में नींद आती है किसी रूम में नींद नहीं आती, या पढ़ने में मन आपका किसी रूम में लगता है। इट इज़ ऑल हाउ यू आर इंटरैक्टिंग और योर बॉडी इज इंटरैक्टिंग विद दी एनर्जीज अराउंड यू। हर किसी का अपना एक ऑरा होता है और वो ऑरा अपनी आसपास की एनर्जी फील्ड से एक पर्टिकुलर तरीके से इंटरैक्ट करता है। तो हम एनर्जी रेक्टिफिकेशन में इन पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हम करेक्ट करते हैं। सिंपल से टर्म्स में ऐसे समझाऊंगी कि अर्थ रेडिएशंस जो आपके घर में आ रहे हैं, तो किसी भी जगह दो तरह के रेडिएशंस आते हैं। पहले होते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस जो आपको विंडोज़ के थ्रू आता है, यू नो, फ्रॉम द एयर, फ्रॉम द स्काई, और दूसरा होता है आपकी अर्थ एनर्जीज, मतलब जो ग्राउंड से आपके घर में एनर्जीज आ रही है। तो एनर्जी करेक्शन में हम अर्थ एनर्जीज पे काम करते हैं कि ग्राउंड से आपके घर में कैसी एनर्जीज आ रही है। बहुत लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होता है कि हम जितना अर्थ लेवल से ऊपर चले जाते हैं वास्तु उतना इफेक्ट नहीं करता, बट आई वुड पुट इट इन दैट वे कि आप जब तक हैबिटेबल फ्लोर्स पर हैं तब तक आप अर्थ एनर्जी के इंटरेक्शन में हैं, और आपकी घर में कुछ ना कुछ एनर्जी तो आ ही रही है अर्थ से। तो डेफिनेटली इसको समझना कि कहाँ पर एनर्जीज हार्मफुल हैं उसको एनालाइज करके आप एक तरीके से फिल्टर्स लगा रहे हैं। इन जो रेमेडीज़ जो हम कर रहे हैं मैं उनको बोलूँगी कि हम फिल्टर्स लगा देते हैं फ्लोर के अंदर। वी नो कि फ्रॉम दिस पॉइंट अ नेगेटिव एनर्जी इज़ कमिंग आउट, तो हमने वहाँ पर एक फिल्टर लगा दिया, वो फिल्टर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देगा और वो आपके एरिया में स्प्रेड नहीं होगा। और जब वो आपके एरिया में स्प्रेड नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो इसे जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं। इसमें हम लोग दो तीन पैरामीटर स्टडी करते हैं,
एक जियोपैथिक स्ट्रेस होता है जिसमें, उसके अलावा हम लोग इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट तीन पॉइंट्स को हम स्कैन करते हैं। ओके ठीक है, तो जैसे कि ये एग्जैक्ट किस तरह के हेल्प करता है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है या फिर? यस, जो एनर्जी रेक्टिफिकेशन हम करते हैं मेजरली, ये एक तो ओवरऑल घर का ऑरा इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और दूसरा हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता है। ये हेल्थ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमने ऐसा देखा है कि जिस बेड पे आप सो रहे हैं उसी के अंदर, उसी के नीचे से इंफ्रारेड लाइन पास कर रही है, तो जो कंटिन्यूसली ऐसे जोन में सो रहा है उसको कुछ ना कुछ हेल्थ डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाएंगे। इस तरह के हेल्थ डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करके करेक्ट करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी कभी भी एक दिन में असर नहीं दिखाती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी फील्ड में जब आप लगातार रहते हैं तब जाके उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपके ऊपर आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दो दिन सो जाएंगे उस बेड पर या दो दिन काम कर लेंगे ऐसी जगह या दो दिन उस घर में रह लेंगे तो आपको कुछ इफेक्ट हो जाएगा। नहीं, एनर्जी टेक्स इट्स टाइम। इसको हम कहते हैं क्लाउड बिल्डिंग, मतलब धीरे धीरे जो नेगेटिव एनर्जी है उसके क्लाउड्स बनते हैं और वो आपको अफेक्ट करते हैं। सिंपल सी समझने के लिए, अगर आप गलत रेडिएशन में हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी को हैम्पर करेगा, और अगर आप सही रेडिएशन में हैं तो हर चीज़ आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगी। सो एनर्जी करेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और वास्तु रेमेडीज़ जो हम करते हैं उसके साथ साथ अगर आप एनर्जी करेक्शन भी करें तो आप एक ओवरऑल अपलिफ्टमेंट करेंगे अपनी जगह का, और आपको उसके जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो 100 times better होंगे than the conventional methods। Got it।